श्रीमती उमाबाई बहुद्देशीय शिक्षण संस्था द्वारा संचालित सीबीएसई बोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश स्कूल का शैक्षणिक वर्ष 2022-23 कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम उत्कृष्ट रहा। प्रतिभावान छात्र कुमारी नूपुर कमलापति खोबरागड़े, जिसने 94.6% मार्क हासिल कर विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। द्वितीय स्थान आर्यन सत्यप्रकाश लावेटी ने 94.4% तथा कुमारी दिव्या विवेक जैन ने 93.8% लेकर तृतीय स्थान प्राप्त किया है। इसी के साथ भाविका दिलीप करंजेकर 92.4%, सौम्य संतोष 92%, श्वेता शंकर राव कटरे 88.2%, सुजल प्रतीक राव 89%, सदाफ हुसैन 88%, सृष्टि सुनील मेश्राम 86%, वंश पशी ने 85%, भूमि माने 84%, आकांक्षा मोबे 80%, समृद्धि राजेश रुद्रकार 80%, स्नेहल शेंडे 80% लेकर प्रविणय सूची में अपना नाम दर्ज किया है। संस्था अध्यक्ष डॉक्टर पंकज कटकवार, उपाध्यक्ष अलका पंकज कटकवार, सचिव डॉक्टर नीरज कटकवार, प्राचार्य ओटी रहंगडाले, मीनाक्षी महापात्रा ने स्कूल टॉपर तथा सफल छात्र छात्राओं को बधाई दी। प्रोग्रेसिव ग्रुप ऑफ स्कूल की प्राचार्य कुमुदिनी तवाड़े, वाई आशा राव, स्मिता शुक्ला ने सभी उत्तीर्ण छात्र छात्राओं का अभिनंदन किया। वरिष्ठ शिक्षक सुनील कटरे, श्रद्धा श्रीवास्तव, हेमा नायडू ने भी सफल विद्यार्थियों को बधाई देते हुए अभिनंदन किया। Congratulations to all that students and parents, successful students and parents of 12th and 10th CBSE. This year we got the good results in our school. So that means at the same time, I give congratulations to all the big supporters as well as school staff members also. Due to their hard work, the students got the good results. In our school, in 12th CBSE, the school topper is Nupur Kumari, Nupur Khobragade. She got 94.6%. And in 10th CBSE, the school topper is Kumari Harshita Khalari. She got that 95.8%. And due to their hard work, they got the good results. So that's why I thankful all the students, and even students also, they do well. And so for that's why I give the heartful thankful to students. So at last I say the students are doing well and they will be doing well. At last I said that all the best to all the students. NBC News के लिए गोंदिया से अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट।